केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा में अब हफ्ते 10 दिन का वक्त बचा है। जाहिर है कि अमित शाह अपने बिहार दौरे में भाजपा और एनडीए के नेताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। हालांकि उनके आगमन का मूल मकसद पटना जिले के पाली में आयोजित ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन है। वैसे तो भाजपा ने हिंदुत्व के हथियार से जातीय उभार को रोकने की अलग चाल चली है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में जातीय आधार पर चुनाव कड़वी सच्चाई है, इसीलिए भाजपा इसे भी साधने की कोशिश कर रही है। बिहार में महागठबंधन में रहे नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत गणना का काम कराया था। इसमें बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक पाई गई थी। जातिगत गणना में एक सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा ओबीसी का उभर कर सामने आया है, जिसे आधार बनाकर नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 75% कर दिया है। बिहार में ओबीसी आबादी 63%, 27% पिछड़ा वर्ग, 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। नीतीश के इस कदम को राजनीति में मास्टर स्ट्रोक माना गया था, इसीलिए कि आजादी के बाद पहली बार जातिगत सर्वेक्षण का काम किसी सरकार ने कराया है। केंद्र सरकार ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे, कुछ राज्य सरकारों ने कराया भी तो उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। नीतीश ने अपने बूते यह काम कर दिखाया। नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण का काम तो कराया, लेकिन भाजपा ने सर्वेक्षण के आंकड़ों पर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले भाजपा ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी समुदाय को यह संदेश देने की कोशिश की कि ओबीसी में बड़ी आबादी यादव बिहार में 14% समाज को वो कैसे तरजीह देती है। यादवों की आबादी यूपी बिहार के अलावा हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी खासा प्रभाव रखती है। अकेले बिहार और यूपी में ही लोकसभा की 120 ऐसी सीटें हैं जहां ओबीसी वोटर निर्णायक है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में ओबीसी के प्रभाव वाली सीटों को जोड़ दे तो यह संख्या 160 हो जाती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 19 सीटों में 118 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण कुमार कहते हैं कि देश भर में 10,000 सम्मेलन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों के जरिए भाजपा यह बताने की कोशिश करेगी कि जातीय आधार पर बनी पार्टियां उनकी उतनी हितैषी नहीं है जितनी भाजपा है। संभव है कि इनमें मोहन यादव को भाजपा द्वारा सीएम बनाए जाने की चर्चा भी होगी। वैसे भी अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं, यानी भाजपा का संदेश साफ है कि वह ओबीसी को कितना प्रमुखता दे रही है। बिहार का शायद ही कोई चुनाव क्षेत्र है जहां ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में नहीं हो। इनकी 63% आबादी में जातीय आधार पर देखें तो अकेले यादवों की आबादी 14% है। बिहार में इंडिया अलायंस की नेतृत्वकर्ता पार्टी आरजेडी का जनाधार ही यादव वोटर है। आरजेडी ने 14% यादव और 18% मुस्लिम को मिलाकर वर्षों पहले MY समीकरण बनाया था, जो आज भी उसकी ताकत बनी हुई है। भाजपा बिहार में यादवों पर तो डोरे डाल ही रही है, ओबीसी समुदाय की दूसरी जातियों पर भी उसका चौकस नजर है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।